क्या हुआ आज इतनी जल्दी उठ गया तू? सवेरे सवेरे कानों में इतना शोर पड़ेगा तो नींद कैसे आएगी? और ये रंगोली क्या है, आज कोई त्योहार भी तो नहीं है? नए किराएदार तो कुछ भी करेंगे क्या? उस लड़की ने रंगोली बनाने का व्रत रखा है, सुबह सुबह उठकर किसी से बात किए बिना 40 दिनों तक रंगोली बनाया करेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, तब तो इनका नाम गिनीज बुक में शामिल होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसा व्रत करने से मनचाहा पति मिलता है। मिलने की बात तो छोड़ो, होता तो कब का भाग्य होता अंधविश्वास देख के। फिर भी पति और रंगोली के बीच क्या संबंध है? बेवकूफ कहीं की। पाप लगेगा, ऐसा मत बोलो बेटा। अगर कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मुझे अच्छी गर्लफ्रेंड मिले तो करो ना माँ। टीका लगा लीजिए। ओम गजाननम भूतनादि सेवितम कपितजम उपचारु भक्षणम उमाशोक विनाशकम। आज कौन से भगवान की पूजा है? जामवंत भगवान। अरे तुम्हारी पूजा पुण्य हो जाए, जामवंत की कोई पूजा करता है क्या? पुण्य मिलेगा जी। अरे खुजली होगी पूरे बदन में, जामवंत की पूजा करेगी तो। जामवंत जैसे वानर की कोई पूजा नहीं करता। मामा जी। क्या है जी? पुन्नूलाल। हाँ आओ जी। आओ, आओ। अच्छे तो हो ना मामा जी? अब तक तो ठीक ठाक था, अब तुम आ गए हो ना, पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, बिना खबर दिए ही आ गए? मैं नहीं आया मामा जी, डॉक्टर साहब ने भेजा तो बस लेकर आई। क्यों, दवाई के साथ साथ उनका दिमाग भी खाने लगा है क्या? उंगली सूज गई मामा जी। तो पागल, हल्दी की पट्टी लगाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, दिखा। ये वाली उंगली नहीं मामा जी। प्यार की उंगली? नहीं मामा जी, पेट की उंगली। पेट की उंगली? पेट में उंगली नहीं होती बल्कि अंतड़ी होती है बेटा। मेरी अंतड़ी में उंगली जितनी सूजन आई है मामा जी। पेट में इतनी सूजन कहाँ से आएगी पागल? ओह अच्छा, मतलब वो अपेंडिक्स की सूजन है। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो पत्थर का पहाड़ हो जाएगा मामा जी। पागल, अगर वो बढ़ेगा तो उसे बढ़ने देगा क्या? मेरी पहचान का एक बहुत बड़ा नामचीन डॉक्टर है, उनके पास लेकर जाऊंगा तुझे। क्या नाम है डॉक्टर का? राव। आपने तो बड़े नाम कहा था। बड़े नाम का मतलब इतना लंबा नहीं, अच्छे नाम वाला, अच्छी दवाई देने वाला मतलब है। वैसे तुझे इससे क्या करना है, तुझे तेरी बीमारी का इलाज चाहिए ना। ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। कैसी हो मामी जी? ठीक हूँ बेटा। कौन से भगवान का प्रसाद है? चूहे भगवान का। चूहा? गणपति जी का वाहन है ना। अरे तेरे वाहन को आग लगे, अब तक तो सिर्फ भगवान की पूजा कर रही थी, अब उनके व्हीकल्स की भी पूजा कर रही। आप भी तो अपनी स्कूटर की पूजा करते हैं। अच्छा ये लॉजिक है। मामी जी बहुत अच्छी है ना मामा जी, इसलिए तेरे पेट में सूजन आई है। सूजन से याद आया, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? अपेंडिक्स कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से इसका इलाज हो जाता है। तो आप इलाज कर सकते हो ना? मैं करूँगा तो तू पर चला जाएगा, ये डॉक्टर को ही करने दे। अरे सुनो, प्याज कितने काटूं भाई? जितना मर्जी काट लीजिए जी। और पता नहीं क्या क्या काटने बोलेगी। अब इससे क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है पापा, मैकेनिक आएगा तो चाबी दे देना। इतनी ही बात है ना, खाली ही तो बैठा हूँ, दे दूंगा। अरे 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 बेटी, घर के मालिक का बेटा गुंडा लगता है, बाप के सामने सिगरेट पी रहा है। अरे बाप रे, सिगरेट? हाँ, जिसमें से धुआं निकलता है और उसके धुएं से कैंसर हो जाता है, उसे सिगरेट नहीं तो अगरबत्ती कहेंगे क्या? क्या नसीब है, इतना ढूंढने के बाद भी एक गुंडे का घर मिला। कोई बात नहीं है पापा, हमारे साथ भगवान है, आप बेकार में ही उस लड़के के साथ बातचीत करना शुरू मत करना। हाँ। वरना ऐसी आदत आपको भी लग जाएगी। अपना ध्यान रखना बेटी, रुको वो गया कि नहीं देखता हूँ। गेट से बाहर निकल चुका है, तुम जाओ बेटी। फ्लास्क में कॉफी निकाल कर रखिए, पी लीजिएगा। ठीक है बेटी। पापा विटामिन की टैबलेट रखी है, वो भी खा लेना। हाँ ठीक है। ओके बाय। रिटायर नहीं होता तो ठीक था, रोज ऑफिस जाकर आराम करता, रोज रोज बेकार के काम करवाती रहती है मुझसे। नमस्ते नमस्ते, ऑफिस जा रही हो बेटी? हाँ, जाकर ऑफिस में रेस्ट करना। बाय। सुनो, इसके बाद और क्या क्या करना है बता तो दो।